सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है साथियों। यहाँ पर यूजीसी की तरफ से जो दो डिग्री एक साथ करने संबंधी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। वैसे तो साथियों खबरें तो जो 2020 से आ रही थी, कोविड आ गया उसके बाद फिर यूजीसी लगातार भूल ही चुका था, तो यहाँ पर वापस 2022 में जाकर जो यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपडेट कर दिया गया है। तो मैं साथियों यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे। पहले अगर आपने डिग्री कर रखी है तो क्या ये मान्य होगी, यूजीसी के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले। यहाँ पर जो उसका नोटिस है उसकी गाइडलाइन के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद अगर आप दो कोर्स एक साथ कर रहे किन किन नियमों का ध्यान रखना है, यूजीसी का नया नियम क्या कहता है, इस संबंधी कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, बात अच्छे से आप समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉबल प्लान के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों यहां पर जो यूजीसी की तरफ से जो रजनी जैन सचिव है उनकी तरफ से जो ऑल जो वाइस चांसलर ऑल यूनिवर्सिटीज है उनके ऊपर ये लेटर लिखा गया है, तो इस लेटर में यही बात कही गई है। सार रूपण हम देखते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है स्टूडेंट्स के लिए काफी सुविधा की बात करती है, तो उसमें जो लर्नर है उसको अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए ये जो है मतलब मौका दिया गया है यूजीसी की तरफ से। तो इस संबंधी इसमें बात की गई है, जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग रहेगी वो यहाँ पर फुल गाइडलाइन में फुल जो ये गाइडलाइन है हो उसमें जो गाइडलाइन रहे उसके ऊपर हम बात विशेषली करेंगे। उससे पहले साथियों यहाँ पर जो न्यूज पेपर्स में अलग अलग बातें आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, लगातार मुझे कहा जा रहा सर आपने अभी तक वीडियो तैयार नहीं किया। साथियों मुझे जो वेट था यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑर्डर आएगा उसी का वेट था, तो वो यूजीसी का जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो आ चुका है। तो इसको हम वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे क्योंकि दो डिग्री एक साथ इसी सत्र से लेखेंगे। पिछले तीन चार दिनों से ये खबरें लगातार न्यूज़पेपर्स में आ रही थी और आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारी खबरें पढ़ी होगी। अब हम चलते हैं सीधा अपने जो ऑफिशियल जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें जाते हैं, वहाँ से हम सीधी इसकी वन बाय वन जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने साथ फुल जो अपना यूजीसी का जो गाइडलाइन है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर भी वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो गाइडलाइन ऑफ पर्सिंग टू एकेडमिक प्रोग्राम जो है इसके ऊपर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। बैकग्राउंड यहां पर है, ऑब्जेक्टिव्स जो मतलब इसका क्या उद्देश्य है, तो यहां पर उद्देश्य रहेगा अगर वापस वही एनईपी 2020 आएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहता है स्टूडेंट्स को अधिकतम अवसर देना, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं करना, अलग अलग सब्जेक्ट से या फिर अलग अलग क्षेत्र में वो अगर मतलब पारंगत होना चाहता है तो उसको मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, सुविधाजनक बनाने के लिए यहां पर यह पूरा कंप्लीट जो नया नवाचार किया गया है, मतलब यहाँ पर नई बातें ऐड की गई है। तो जो पहले क्या था दो डिग्री एक साथ मान्य नहीं थे, तो उसमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पांच पॉइंट में जो गाइडलाइन है यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि ए स्टूडेंट कैन परसेस द फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डोंट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग टू द अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप दो डिग्री एक साथ कर सकते हैं, दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम भी आप यहाँ पर कर पाएंगे, फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं, दोनों रेगुलर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर प्रोवाइड दैट इन सच केस मतलब आपकी जो क्लास की जो टाइमिंग होगी, मतलब आप जैसे मॉर्निंग जैसे आप जा रहे हैं एक कोर्स आप मान लो कर रहे हैं तो उसमें आपकी टाइमिंग 8 से 1 बजे तक है, दूसरे की फिर 2 से 5 बजे तक, या फिर जो आपकी क्लास की टाइमिंग होनी चाहिए बिल्कुल जो वहाँ पर आप जो अटेंडेंस देते हैं रेगुलर कोर्स मान लो कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो है वो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा ना होगा आप दो कोर्सेज कर रहे हैं, एक में 10 से 4 क्लास चल रही है दूसरे में 10 से 4 है, तो स्वाभाविक सी बात है दो रेगुलर कोर्स अगर बंदा कर रहा है तो दो जो एक जगह तो बंदा उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉलेज की जो ऑफिशियल टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप दो रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेते हैं उस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, दो रेगुलर कोर्स है या फिर जो डिप्लोमा या डिग्री है उसमें एडमिशन लेते हैं तब। मान लो आपका एक रेगुलर कोर्स मान लो आप कर रहे हैं, एक रेगुलर कर रहे हैं और एक डिस्टेंस से कर रहे हैं, फिर तो आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आपको केवल जो डिस्टेंस कोर्स में जो आप कैंप वगैरह अटेंड कर रहे हो तो उन डेट्स को आपको अवॉइड करना है, इस बातों को ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई नहीं है। बाकी दो रेगुलर कर रहे हैं तो आपका टाइम का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब सेम टाइम में नहीं होनी चाहिए, क्लासों का टाइम अलग अलग होना चाहिए, एक का मॉर्निंग टाइम, कई जगह इवनिंग कॉलेजेस भी चलते हैं तो एक इवनिंग कॉलेज में अगर एक कोर्स कर रहे हैं रेगुलर और दूसरा आप डे कोर्स में कर रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि ए स्टूडेंट्स कैन परसू टू एकेडमिक प्रोग्राम वन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अदर एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यहां पर यही बात की गई, अगर आप दो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो आपका टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप मान लो चाहते हैं कि एक कोर्स आप कर रहे हैं फिजिकल मोड में कर रहे हैं, एक रेगुलर कर रहे हैं जैसे बीएड हो गए आपके, फिर एक आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ही इसमें साथ एक साथ कर पाएंगे, यहां पर इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर की गई है तीसरे पॉइंट में, डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL मतलब जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है ऑनलाइन मोड है, अगर आप मान लो चाहते हैं आप कोर्स मान लो ऑनलाइन, जैसे इग्नू ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करता है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन कोर्स भी प्रोवाइड किए कोविड के बाद से, तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आप ये भी अगर कर रहे हैं मान लो एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं एक ODL कर रहे हैं तो भी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। UGC के अकॉर्डिंग जितने भी जो मान्यता प्राप्त प्रोग्राम है जो कॉलेजेस हैं उनसे आप कर सकते हैं, UGC से जो स्टेट जो काउंसलिंग्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उनसे जो काउंसलिंग है, जैसे काउंसलिंग वो चीज़ होती है जैसे यहाँ पर काउंसलिंग की बात की,
पड़ेगी। जैसे आप टीचर्स कोर्स कर रहे हैं तो आपको एनसीटी की मान्यता भी चेक करनी पड़ेगी, अकेले यूजीसी की मान्यता से काम नहीं चलेगा। उसके बाद आप मान लो कोई टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको AICTC का अप्रूवल भी देखना होता है। तो ये जो काउंसलिंग है UGC है उसकी अप्रूवल की आपको प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद आप अगर कोर्स कर रहे हैं डिग्री या डिप्लोमा तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन मोड में भी आप किया जा सकता है। चौथे पॉइंट में भी कुछ खास नहीं, डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइंस गवर्नमेंट रेगुलेशन नोटिफिकेशन ये रिस्पेक्टिव जो मतलब आपके जो UGC के नियमानुसार है उस प्रकार आपको डिग्री को प्राप्त करना है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बस कुल मिलाकर बात इसमें यह है कि आपके दो डिग्री एक साथ कर रहे हैं, दो रेगुलर है, टाइम ओवरलैप का ध्यान रखना है। अब जो पांचवा पॉइंट जो मस्ट इसमें ऐड हो रहा है कि जिन्होंने पहले मान लो डिग्रियां कर ली, अब ये जो गाइडलाइन आई आपकी ये आज की डेट की गाइडलाइन है। यहाँ पर ये डेट की अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 13 तारीख की डेट है शायद, इसमें जो नोटिस था उसमें लिखी हुई थी, आपको मैं पीछे नोटिस में ले जाके बता दूँ। तो यहाँ पर इसमें जो ये जो डेट है ये जो गाइडलाइन है साथियों यहाँ पर 13 अप्रैल 2022 से इसमें मतलब इसके मान्य होगी। तो यहाँ पर उसमें ये पॉइंट नंबर जो 5 कह रहा है आपका कि इसमें कम्प्लीटली इन्होंने लिखा है दिस गाइडलाइन शॉल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द UGC, मतलब ये जो गाइडलाइन है आपका जो नोटिफिकेशन है उसके बाद मान्य होगी। नो benefits can be claimed by the students who have already done 2 academic program. अब यहां पर जो पहले जिन्होंने स्टूडेंट्स ने कर लिया है वो UGC के अकॉर्डिंग मान्य नहीं किया जाएगा। अब UGC के अकॉर्डिंग भर वापस राजस्थान के स्टूडेंट्स अगर घबरा नहीं जाए, क्योंकि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था UGC के अकॉर्डिंग, तो पहले भी यहाँ पर आपके जो दो डिग्री कोर्स एक साथ आप जो कर रहे थे वो वैलिड नहीं थे। लेकिन अपने यहाँ पर जो राजस्थान की जो नियुक्ति का है राजस्थान सरकार है तो RPSC की तरफ से उसमें दो डिग्री कोर्स अगर आपने पहले भी मान लो एक नॉन कॉलेज BEd के साथ MA वगैरह कर रखी है तो RPSC कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। पिछली भर्ती में भी नियुक्तियाँ मिली, मैंने एक इसका फुल इंफॉर्मेशन वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे दूंगा तो आप उसको देख सकते हो। मतलब UGC के अकॉर्डिंग तो अगर आपने आज से पहले कोई कोर्स कर रखे दो कोर्स एक साथ तो वो मान्य नहीं है, लेकिन अपने RPSC के अकॉर्डिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है। RPSC अलाउ करता है, पहले तो नहीं मान्य था तब भी अलाउ कर रहा था RPSC, तो अब तो UGC ने भी अलाउ कर दिया, आपके लिए कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाकी UGC ने यहाँ पर जो पहले आज से पहले के जो कोर्स कर रखे वो मान्य नहीं किए हैं। बाकी स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शिक्षा है वो स्टेट्स के भी कई बार रूल्स लागू रहते हैं। उसके बाद और मैं यहाँ पर बात कहें कि दो अबव गाइडलाइन जो एप्लीकेबल है PhD प्रोग्राम में उसके साथ आप डबल प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर आप PhD कर रहे हैं तो केवल PhD ही करना है। उसमें जो एक और बात कही गई, जैसे मान लो आप कर रहे हैं एक आप UG कोर्स कर रहे हैं, एक मान लो आप BSc कर रहे हैं, आप BTech कर रहे हैं, उसके साथ आप अलग कोई ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मान लो कोई सरल कोर्स ग्रेजुएशन का आर्ट्स कर रहे हैं सब्जेक्ट पर कमांड के लिए, तो आप वो कर पाएंगे। आप UG के साथ UG का कोर्स कर पाएंगे, PG के साथ PG का कोर्स कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने BTech कर ली फिर आप एक तरफ से BA कर रहे हैं फिर आप एक तरफ PG का कोर्स कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब इक्वेलिटी जो कोर्स की होती है, जो अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उस कोर्स की इक्वेलिटी के अकॉर्डिंग आप दो कोर्स एक साथ कर पाएंगे। बाकी डिग्री के साथ आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो रेगुलर वालों को टाइम ओवरलैप का ध्यान रखना है, बाकी डिस्टेंस ओपन कैसे भी ऑनलाइन मोड आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल ये गाइडलाइन में ये सारी बातें क्लियर कट हो रखी हैं। बाकी और कुछ भी जो बातें हैं जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी क्लियर की जाएगी। बाकी इस नोटिस में ये सारी मैंने जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको आपके साथ शेयर की। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको ये फुल गाइडलाइन जो PDF है ये आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको आप खुद भी वॉच इसको आप रीड कर सकते हैं, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई खुशखबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।